ॐ मागणेशाय नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपति उवाच, एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ देखिए आप सबसे विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का थंबनेल बताऊँ या विषय बताऊँ उससे पहले आपसे निवेदन करूँ कि मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो भाई मित्रों लाइक तो बनता है ना, फिर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और देखिए जाते जाते कमेंट में श्री महागणेशाय नमः, ओम हंग हनुमते नमः, जय माता दी कुछ भी लिखेंगे, अपने इष्ट के बारे में लिखेंगे, भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो मित्रों आप ये मेरा प्रोग्राम देखिए चंद्र राशि पर आधारित है, चंद्र राशि से देख सकते हैं। और देखिए चंद्र राशि के अलावा आप चाहें तो लग्न राशि से भी देख सकते हैं, और लग्न राशि चंद्र राशि दोनों में कुछ नहीं मालूम तो आप फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो मित्रों अब देखिए मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो क्या चर्चा कर रहा हूँ, देखिए अभी जो है देवगुरु बृहस्पति 20 जनवरी को अब दो दिन बाद समझ लिए 13 डिग्री पे आ जाएंगे, यानी एकदम युवा अवस्था में 12 से शुरू हो जाती है तो 13 डिग्री पे अच्छे पक्के 20 जनवरी को 13 डिग्री अंश बल आ रहे हैं। तो बृहस्पति देव 20 जनवरी से लेकर के और देखिए बैठेंगे कहाँ पर, मेष राशि में तो रहेंगे कब तक, 30 अप्रैल या 1 मई तक मान लीजिए, 1 मई को ट्रांसफर करेंगे, 1 मई को ट्रांजिट होगा उनका वृषभ राशि में। तो 30 अभी मान लीजिए 20 जनवरी से 1 मई तक युवा 13 डिग्री वाले बृहस्पति भाई गजब का सपोर्ट करेंगे कुछ राशियों को, तो क्योंकि बृहस्पति देव गुरु हैं और देखिए बृहस्पति की दृष्टि में अमृत बरसता है। तो 20 जनवरी से बृहस्पति जो है धन की बारिश करेंगे, क्योंकि युवा ग्रह जो हो जाता है तो ज़्यादा बलशाली हो जाता है, बाल अवस्था और वृद्धावस्था में बिल्कुल निष्क्रिय से रहते हैं। अब तो 13 डिग्री पर आ जाएंगे 20 जनवरी से, 20 जनवरी से मैं समझता हूँ 1 मई तक 13 डिग्री वाले, 13 डिग्री तो 20 जनवरी के होंगे, फिर आगे डिग्री बढ़ेंगी उनकी, मतलब युवावस्था में घुस गए अच्छी तरह से। तो अब जो है देखिए कौन सी राशियाँ विशेष धन पाएंगी, लाभ पाएंगी। देखिए एक नंबर वन तो मैं पहले मेष राशि को कहूँगा, मेष राशि में बैठे हुए हैं बृहस्पति, तो और मंगल की राशि है यानी मित्र की राशि है मंगल की, तो मित्र की राशि और जहाँ घर में बैठे हुए हैं तो उसको लाभ क्यों नहीं देंगे, तो मेष राशि को तो लाभ देंगे देंगे, और क्योंकि मेष राशि में बैठ करके वो फिर पांचवा सातवां नवा भाव को देख रहे हैं, यानी संतान भाव को, दाम्पत्य जीवन को और भाग्य भाव को, इस वजह से क्योंकि भाग्य भाव को भी देख रहे हैं बृहस्पति 13 डिग्री वाले जवान युवावस्था वाले बृहस्पति, तो मेष राशि के भाग्य को आसमान को ले जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में बड़ी मधुरता आएगी, व्यापार में तरक्की होगी और संतान को लाभ होगा, संतान को धन का लाभ होगा, संतान को नया नया जॉब मिल सकता है, नया नया काम मिल सकता है, क्योंकि संतान पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। आपका कोई प्रेम प्रसंग है उसमें सफलता मिलेगी, और देखिए नया प्रेम प्रसंग नहीं कोई बनाइए आप, पुराना है तो उसमें प्रगाढ़ता आएगी और लव मैरिज हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि बृहस्पति की 13 डिग्री वाले युवावस्था वाले बृहस्पति की अपार कृपा मेष राशि को मिल रही है। दूसरी राशि जिसको बहुत लाभ मिलेगा वो देखिए है मिथुन राशि, क्यों मिथुन राशि के 11वें भाव में आ जाएंगे बृहस्पति, 11वां भाव लाभ का भाव, तो युवावस्था वाले बृहस्पति लाभ भाव में बैठ करके लाभ का मतलब धन ही धन देंगे, और लाभ भाव से तीसरे पे, पांचवें पे और सातवें पे दृष्टि पड़ेगी। तो सातवां भाव फिर देखिए दाम्पत्य जीवन का, व्यापार का है, तो मिथुन राशि का दाम्पत्य जीवन भी मधुरता आएगी, अच्छा संबंध होंगे, मिठास आएगी जीवन में और प्रेम प्रसंगों में और व्यापार में तरक्की होगी। और देखिए पंचम पर दृष्टि पड़ रही है संतान को लाभ होगा, तीसरे पर दृष्टि पड़ रही है तीसरा भाव पराक्रम का है, परिश्रम का है,
परिश्रम करना पड़ेगा तो लाभ मिलेगा, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। तो मिथुन राशि के लिए मैं समझता हूँ सुख साधनों की वृद्धि होगी, परिश्रम करेंगे लाभ मिलेगा, यात्रा करेंगे लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। तो और चूंकि लाभ भाव में बृहस्पति आ गए तो लाभ का मतलब धन ही होता है, तो धन तो आएगा ही आएगा भाई। तो मिथुन राशि के लिए धन बहुत तेजी से धन का आगमन होगा, युवावस्था वाले बृहस्पति अपार धन देंगे, जितना मेष को नहीं मिल रहा जितना मिथुन को मिल रहा है। और अगली राशि देखिए, मैं समझता हूँ कर्क राशि, कर्क राशि को भी दसवें भाव में आएंगे तो जॉब में तरक्की होगी, नया जॉब मिलेगा, जॉब में प्रमोशन मिलेगा, वेतन वृद्धि हो सकती है, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सब आपका धाक जमी रहेगी दोस्तों में और बॉस खुश रहेंगे आपके। जो बृहस्पति जवान अवस्था में आकर के दसवें भाव में बैठे हुए हैं और देखिए दृष्टि जो पड़ रही है दूसरे में, चौथे में, छठे में, तो दसवें भाव से बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो धन आ रहा है कर्क राशि वालों के लिए, धन आ रहा है चौथे में, तो सुख साधनों की वृद्धि हो रही है, बंगला गाड़ी भूमि भवन सब मिल सकता है, माता का सुख मिलेगा। और छठे भाव में जाएंगे तो रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, कोई बैंक का कर्जा लिया वो चुक जाएगा, या अपने व्यापार बिजनेस के लिए कर्जा बैंक से लोन लेना है आसानी से मिल जाएगा। तो बृहस्पति की दृष्टि से, बृहस्पति के दसवें में बैठने से भाई कर्क राशि को भी बहुत लाभ मिल रहा है। और देखिए अगली राशि जो बहुत विशेष लाभ पाएगी वो है देखिए सिंह राशि। सिंह राशि के लिए नवे भाव में आ गए यानी भाग्य भाव में, 13 डिग्री वाले बृहस्पति 20 जनवरी से भाग्य भाव में भाग्य चमका देंगे, भाग उठेगा आसमान को तो तरक्की होगी, भाग्यवश पैसा आएगा, भाग्यवश नया नया काम मिलेगा, नए जॉब मिलेगा और तरक्की होगी। और बृहस्पति देखिए भाग्य भाव में बैठ करके लग्न को देखेंगे तो जातक का शरीर सुंदर एक्टिव और मोर धार्मिक विचारधारा, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने वाले, पूजा पाठ में, और तीसरे में पांचवें में दृष्टि पड़ेगी तो परिश्रम भाई परिश्रम तो करना पड़ेगा, काम के संबंध में छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ेगी जिससे लाभ मिलेगा। और पांचवें में दृष्टि पड़ेगी तो संतान को विशेष लाभ मिलेगा, संतान की तरक्की होगी, संतान के शिक्षा के क्षेत्र में नाम होगा, संतान को प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी, टेक्निकल एजुकेशन में सफलता मिलेगी। और देखिए अगली राशि तुला, तुला के सातवें भाव में बृहस्पति आ गए, सातवां भाव दाम्पत्य जीवन, व्यापार का भाव, व्यापार पार्टनर्स का भाव, और तो सातवें भाव से देखिए दृष्टि पड़ेगी फिर ग्यारहवें भाव पर, लाभ भाव पर, लाभ का मतलब भी धन होता है, तुला राशि को भी धन मिलेगा। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो जातक का शरीर भी एक्टिव रहेगा, धार्मिक विचारधारा होगी, और तीसरे पर दृष्टि पड़ेगी तो पराक्रम, पराक्रम परिश्रम, जितना परिश्रम करेंगे उतना लाभ मिलेगा, जितना परिश्रम करेंगे उतना ही लाभ से यानी पैसा ही पैसा आएगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। तो तुला राशि को भी देखिए बहुत अच्छा है ये संयोग, 20 जनवरी से बृहस्पति 13 डिग्री अवस्था में आकर के 1 मई तक खूब बढ़िया। और अगली राशि जिसको मैं लाभ समझता हूँ, देखिए अगली राशि जिसको मैं समझता हूँ वो मान लीजिए 20 जनवरी से और 1 मई तक बृहस्पति धनु राशि के लिए, अपनी राशि है भाई तो अपनी राशि है, धनु में आएंगे जब तो धनु राशि के पांचवें भाव में आएंगे, और पांचवा भाव मतलब लाभ का भाव होता है, संतान, संतान का भाव होता है, संतान के भाव से लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो धन आएगा, संतान को लाभ मिलेगा, संतान के शिक्षा में लाभ मिलेगा और धन आएगा, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो धनु राशि के लिए पंचम में बैठकर नवे में, ग्यारहवें में, पहले में यानी नवे में दृष्टि पड़ेगी, नवे में ही पड़ेगी, भाग्य प्रदान करेंगे, लाभ होगा और लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, तो धनु राशि का भी बहुत विशेष लाभ है। क्या धनु राशि बृहस्पति की खुद की राशि है, अपने राशि को लाभ नहीं देंगे तो किसको देंगे, खूब अच्छी तरह से पैसा आएगा, भाग्य वर्धन होगा, और देखिए लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो जातक का शरीर भी धार्मिक विचारधारा। और धनु के बाद मैं समझता हूँ कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए तीसरे में भाव में बैठेंगे बृहस्पति, लेकिन देखिए दृष्टियाँ उनकी साथ में नवे ग्यारहवें में है, इसलिए मैंने कुंभ राशि को लिया है कि तीसरे में बैठेंगे तो पराक्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, भाग दौड़ करेंगे,
मेहनत करेंगे, यात्रा करेंगे, लाभ मिलेगा। लेकिन दृष्टियाँ पड़ रही हैं सातवें में, नवे में और ग्यारहवें में। तो दाम्पत्य जीवन और व्यापार भाग्य वर्धन नवे में और ग्यारहवें मतलब लाभ भाव में। तो दृष्टियाँ जो तीनों बहुत बढ़िया पड़ रही हैं, इसलिए सात नौ में ग्यारहवें में, इसलिए तीसरे भाव में बैठ करके भी कुंभ राशि को भी विशेष लाभ मिलेगा भाई। और देखिए आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि, जो बृहस्पति की अपनी राशि है। मीन राशि के लिए देखिए, मीन राशि नंबर 12 और ये जो बृहस्पति है नंबर 1 मानी मेष राशि में, तो मीन राशि के लिए धन भाव में बृहस्पति बैठ गए। 13 डिग्री जवावस्था वाले बृहस्पति धन भाव में बैठ करके 6, 8, 10 में दृष्टि पड़ेगी। तो 10 में दृष्टि पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ मिलेगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, सम्मान मिलेगा, वेतन वृद्धि होगी, ट्रांसफर हो सकता है। और 6, 8 में बैठेंगे तो अचानक धन का लाभ होगा, रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, बैंक से कर्जा मिल सकता है। तो मीन राशि को तो धन भाव में बैठ रहे हैं भाई, खुद धन भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं और मीन राशि के मालिक हैं, तो कैसे नहीं धन देंगे, खूब धन देंगे अच्छी तरह से। तो मित्रों ये जब मैंने बताया आपको 20 जनवरी से 13 डिग्री वाले युवावस्था वाले बृहस्पति 1 मई तक जो मैंने बताई 3 राशियों को बहुत विशेष लाभ, यानी देखिए मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, देखिए कुंभ राशि और मीन राशि, इन राशियों को बहुत ज़बरदस्त धन लाभ मिल रहा है बृहस्पति से। तो मित्रों अभी मैं यहाँ देखिए विराम लूँगा, आगे आऊँगा आगे तो फिर और कुछ चर्चा करूँगा मित्रों। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते जाते कमेंट में माँ गणेशाय नमः लिख करके भगवान गणेश का आशीर्वाद दीजिए। मित्रों नमस्कार।